हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजली का बिल कैसे निकाले, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हमें सर्च बॉक्स में सर्च करना है BSES ऐप, जो कि बिजली के बिल की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस ऐप को यहां से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने से पहले देखिए फ्रेंड्स, इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब के सब यही डाउनलोड करते हैं, जबी तो इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स है। तो हम इसे यहां से इंस्टॉल कर लेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको बीच बीच में से कट करोगे तो समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम यहां से अपनी ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ ऑप्शन आपसे मांगेगा अलाउ, तो आप यहाँ पे अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे माय अकाउंट्स दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे पहले अपनी आईडी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, माय अकाउंट्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें लॉगिन नहीं करना, नीचे देखिए न्यू यूज़र लिखा हुआ है, तो हम पहले उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसे लॉगिन कर रहे हैं। न्यू यूज़र में हम अपना CA नंबर दे देंगे। CA नंबर मीन्स कनेक्शन नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा CA नंबर कहाँ होता है। तो प्लीज़ आप अपना कोई सा भी बिल उठाइए और वहाँ पर CA नंबर देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना CA नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, नीचे मीटर नंबर आपको लेफ्ट हैंड पे दिख जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना बिल शो हो गया होगा। अब हम यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, जिस नाम का आपका मीटर होगा उसका नाम, कॉन्टैक्ट एंड आप एड्रेस पूरा शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स में राइट ऑप्शन करना है और यहाँ पे जो पेमेंट लिखे है उस पर इग्नोर कर देना है, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। बस यहाँ पे हम प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे अब हम अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप ABCD या कुछ भी एनी वर्ड लिख सकते हैं। बस इसमें आपको लॉगिन करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, ईजी ही पासवर्ड डालना जो कि आपको याद रहे। यहाँ पे हम अपना कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ईमेल प्लीज़, जो आपके फ़ोन में ईमेल डला हुआ है वही ईमेल यहाँ पे आपको डालना है। मैं तो यहाँ पे अपना ओरिजिनल ईमेल डाल रहा हूँ, वो भी बिल्कुल लाइव आपको सबको दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ट्रिक मैं आप सबके लिए लाता हूँ वो मेरी पहले ही रिसर्च की हुई होती है, तो इसलिए नो टेंशन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसेस रजिस्टर पे कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यूज़र नेम ऑलरेडी रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, ओके करके जो फर्स्ट नंबर पर आपने अपना नाम डाला है वहाँ पर आप कुछ और नाम भी डाल सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी दिखाए तो आप यहाँ पे कुछ भी एनी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। बस इसको लॉगिन हमें करना है सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक दो नाम और डाल के दिखाता हूँ। अगर ये हो जाता सक्सेसफुली तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही 2-3 नाम चेंज करके देख लेंगे, फिर ये हो जाएगा सक्सेसफुली। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा नेम चेंज किया फिर भी ये ऑलरेडी दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहां से इसको हटा के एक और दूसरा कोई भी नाम डाल देता हूं। फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पे ऐसे ही अब ये देखिए यहां पे अब सक्सेसफुल हो गया है। देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, यहां से अब हम ओके कर देंगे और बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ से देखिए, और हमें वहीं से लॉगिन करना है।
फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपने ऊपर जो आपका नाम नहीं डल रहा था वही यहाँ पे आपको नाम डालना है, और जो नीचे आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वही यहाँ पे क्रिएट करना। तो यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स आपको प्लस का निशान शो हो रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना सीए नंबर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको सीए नंबर शो कर दिया कि आपके कोई से भी बिल पे, जैसे एक साल पुराना हो या दो साल पुराना हो, हम कोई सा भी बिल उठा के उसमें से सीए नंबर और मीटर नंबर देख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मीटर नंबर यहाँ होता है, आपको बिल्कुल शो हो रहा होगा मीटर नंबर, तो हम यहाँ से मीटर नंबर डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, यहाँ आपको मीटर की पूरी डिटेल मिल जाएगी, किसके नाम पे मीटर है, मीटर नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा एंड पूरा प्रूफ मिल जाएगा एड्रेस। तो यहाँ से अब हम इसे सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी न्यू ट्रिक्स और देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से अब इसे सबमिट कर देते हैं, ओके कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे डिटेल्स दिख रहा होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इसका इंटरफेस ऐसा होगा, हमें अपना करंट बिल देखना है तो फर्स्ट नंबर पे आपको करंट बिल शो हो जाएगा, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको करंट बिल दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स आप फर्स्ट पे देखेंगे करंट बिल 2010 रुपये का हमारा बिल आया हुआ है, उससे पहले हमने लास्ट पेमेंट कब की थी नीचे लिखा हुआ है 1210 रुपये कि हमने इस तारीख को पेमेंट की थी। तो फ्रेंड्स अभी का जो करंट बिल है वो ये है 2010 रुपये। अगर आपको ऐसे बिल नहीं चाहिए, आपको जैसे अपने घर में बिल आता है येलो कलर का देख सकते हैं आप, ऐसा बिल आप हम सबके घर में आता है, तो हम ऐसा बिल देखने के लिए यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, यहाँ पे हम पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स सिर्फ 2 या 3 सेकंड रुकना पड़ेगा और आपको करंट बिल पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लो तो फ्रेंड्स हम ही इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 2010 का बिल दिखाया था ना, ये देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, हम इस 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अलाउ कर देंगे तो हमारी ये फाइल पे डाउनलोड हो जाएगी। इसी 3 डॉट पे हमें शेयर करना है ये पीडीएफ, तो हम यहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ अपने दूसरे नंबर पर, बहुत ईजली यह आपकी पीडीएफ शेयर हो जाएगी और बस एक क्लिक में ये पीडीएफ ओपन भी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स तो हम बैक आ जाते हैं, ऐसे आपको अपना बिल शो हो जाएगा, आप इसे या तो पेटीएम से भर सकते हैं या तो इसी ऐप से भी भर सकते हैं, आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्रेंड्स घबराइएगा नहीं, मैं आपको कोई फेक ट्रिक नहीं दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। फ्रेंड्स अगर आपको अपने मीटर रीडिंग की फ़ोटो क्लिक करके सेंड करनी है तो आपको सबसे नीचे सेल्फ मीटर रीडिंग शो हो जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ऊपर आई बटन में मेरी और भी ट्रिक्स शो हो जाएगी एंड आपको एंड स्क्रीन पर अभी कुछ वीडियो शो हो रही होगी, प्लीज़ उन्हें क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।